हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स। क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। आज उसका थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे, स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब। तो आपने इसके दो पार्ट पढ़ लिया, आज थर्ड पार्ट में हम टेंजेंट हमारा कम्प्लीट हो चुका, आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल्स मतलब अभिलंब। हमने स्पर्श रेखा पढ़ लिया है, ओके। चलिए अभिलंब देखो। अभिलंब क्या है? टेंजेंट पढ़ने के बाद अभिलंब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसा टेंजेंट है एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन नॉर्मल का बिल्कुल वैसा ही बनता है, नॉमिनल डिफरेंस है। इसलिए टेंजेंट में अच्छा कमांड होने के बाद नॉर्मल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपको देखिए फटाफट बता दूँ इसको, और इसमें कुछ भी नहीं है। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि किस तरह का कंडीशन होता है। सपोज ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, और हम इस एक्सिस में ये सपोज कोई कर्व का इक्वेशन हमने लिया। सपोज ये यहां से ये सपोज कोई कर्व है। अब इस कर्व में आप देखो, हमने एक लाइन ड्रा किया, ये दूसरा लाइन ड्रा किया, ये तो ये एक कर्व का इक्वेशन है। आपको कर्व का इक्वेशन देगा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होगा वो किसी कर्व का इक्वेशन होगा जो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में होगा। और ये जो आप ग्रीन कलर से जो लाइन देख रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है? टेंजेंट है, जो आप पढ़ चुके हैं। ये टेंजेंट का लाइन है, और ये रेड कलर से आप जो देख रहे हो वो है नॉर्मल। ये नॉर्मल है मतलब टेंजेंट नॉर्मल पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल और टेंजेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। यहां पर देखो, उल्टा लिख दिया मैं यहां पर, एक मिनट है। ये हम पढ़ चुके हैं, पहले आपको टेंजेंट पढ़ा चुका ना मैं, उल्टा लिख लिया था मैं। यह है टेंजेंट, ये नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट पर एक्चुअल में कर्व को किसी एक पॉइंट पर जो टच करता है वो टेंजेंट होता है, और टेंजेंट के लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, ठीक है, टेंजेंट के लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वो नॉर्मल होता है। ये स्पर्श रेखा है, बाइलिंगुअल होने के कारण कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है? अभिलंब है। और हम अभी यही पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं क्या? नॉर्मल। तो सबसे पहले हम इसका देखें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ा है, ये जो हम पढ़े हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने पढ़ा है y माइनस वाई वन इक्वल डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों अभिलंबवत होते हैं।
और दो रेखाएं जब लंब हो तो m1 इंटू m2 इक्वल टू होता है माइनस वन। तो सपोज ये जो आप लिखे हो टेंजेंट का ग्रेडियंट, उसकी प्रवणता, उसको सपोज हमने m1 सपोज किया, तो ये m1 है, तो देयर फॉर एम टू जो होगा वो हो जाएगा माइनस वन अपॉन एम वन, उसको से ट्रांसफर करें माइनस वन अपॉन एम वन हो जाएगा। मतलब इसलिए इसका जो परपेंडिकुलर नॉर्मल लिखेंगे तो उसका इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा, देखिए देयर फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यदि हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखें जैसे ये टेंजेंट का इक्वेशन है और हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखें तो हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल माइनस वन अपन माइनस वन अपन एम वन, कहने का मतलब माइनस वन अपन डी वाई वाई डी एक्स, यही इसका मतलब। तो हम इसके जगह में लिखेंगे माइनस वन अपन डी वाई बाई डी एक्स फॉर एक्स वन एंड वाई वन पॉइंट, एक्स वन वाई वन के लिए, और इंटू एक्स माइनस एक्स वन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस तरह से आप देखो दोनों में क्या डिफरेंस है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है उसका जो ग्रेडियंट है एम वन, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होता है उसका जो ग्रेडियंट है माइनस वन अपान होता है। क्यों? क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आपस में लंब हैं, और हमको मालूम है कि दो लंब रेखाओं का, टू परपेंडिकुलर जो लाइन है उनके ग्रेडियंट का जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, वो माइनस वन के इक्वल होता है। ओके, तो ये ध्यान रखना आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी बाई डी एक्स, एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। तो देखिए हम टेंजेंट यदि पढ़ चुके हैं, टेंजेंट हमको समझ में आ चुका है, तो नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ हमको चेंजेस लाना होता है ओनली वन पॉइंट पर। इसलिए बहुत ही आसान है ये, मैं दो चार क्वेश्चन आज आपको करा देता हूँ उसी पैटर्न पर जो हमने टेंजेंट पर भी किया था, तो सब बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये आसान हो चुका है यदि आपको टेंजेंट क्लियर है। इसके पहले पार्ट का वीडियो यदि आपने अच्छे से नहीं देखा है तो आपको मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो, क्योंकि टेंजेंट समझ में आने के बाद नॉर्मल आपको नेचुरली अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका वर्किंग स्टेप आपको बता दूं, सबसे पहले आपको कर्व का इक्वेशन देगा, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये कर्व का इक्वेशन होगा, और कर्व के इक्वेशन के बाद आप उसको डिफ्रेंशिएट करके dy बाई dx निकालोगे। जैसे dy बाई dx निकालोगे तो वहाँ पर जिस पॉइंट पर फाइंड करना है उसको पुटअप कर दोगे, और पॉइंट पुटअप करने के बाद हम उसको सॉल्व कर लेंगे तो उसका इक्वेशन निकल जाएगा, समीकरण निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस पर एक क्वेश्चन अपन लेते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन ही आपको मैं शुरुआत से ही करा देता हूं, क्योंकि सामान्य क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं। क्लियर, ये हम क्वेश्चन लेते हैं। इफ ये पहला ही क्वेश्चन में बहुत अच्छा ले रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि सीधा आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं, नॉर्मल क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं ना। कर्व एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई इक्वल ए साइन क्यूब थीटा, ए साइन क्यूब थीटा, ये एक्स और वाई की टू वैल्यूज है अपने पास, और इसमें हमको फाइंड करना है नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड ग्रेडियंट एट थीटा इक्वल पाई बाई फोर, ये हमारा क्वेश्चन है। ग्रेडियंट का मतलब हिंदी में होता है प्रवणता, वैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इतना समझते हैं, फिर भी लिख दिया मैंने। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमको गिवन है इफ एक्स इक्वल टू एस ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा देन फाइंड ग्रेडियंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में हमको उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है, मतलब dy बाई dx फाइंड करना है, किसका, नॉर्मल का, ठीक है। फाइंड ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये ध्यान रखना, किसका ज्ञात करना है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि टेंजेंट का ग्रेडियंट अलग होगा और नॉर्मल का ग्रेडियंट अलग होगा, अभी मैंने आपको बताया, इसलिए क्वेश्चन में प्रॉपर बोला रहेगा कि किसकी प्रवणता निकालना है, स्पर्श रेखा के निकालना है कि अभिलंब का निकालना है, तो हमको यहाँ पर किसका निकालना है, अभिलंब का निकालना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले dy by dx फाइंड करना है, हमारा पहला पर्पस dy by dx। अब यहाँ पर आप देखो ये थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ये भी थीटा की, इस तरह क्वेश्चन आपने किया है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x को थीटा के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। सिंस x इक्वल a cos क्यूब थीटा, देयरफॉर dx by d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, और cos क्यूब थीटा का हो जाएगा 3 कास स्क्वायर थीटा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन से, और कास थीटा का अगेन हो जाएगा, तो एक बार लिख देता हूँ, डी बाई डी थीटा ऑफ कास थीटा, क्लियर। दैट इक्वल ये हो गया थ्री ए कास स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा साइन थीटा माइनस मैंने सामने लिख दिया, ओके तो ये हो गया माइनस थ्री ए कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। सिमिलरली हमको y का वैल्यू पता है, सिंस y इक्वल ए साइन क्यूब थीटा, देयरफॉर इसका भी हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, dy बाई डी थीटा, तो हो जाएगा a इंटू थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी बाई डी थीटा आप साइन थीटा, क्लियर। चैन रूल से दैट इक्वल थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कास थीटा, ये हो गया। देयरफॉर अब हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें डी वाई बाई डी थीटा में ये डी वाई बाई डी थीटा में यदि हम डिवाइड कर दें डी एक्स बाई, इस तरह का क्वेश्चन पैरामेट्रिक हमने बहुत सारा किया है पीछे बेसिक फंडामेंटल में, ये तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा होगा, दैट इक्वल इसका वैल्यू हम पुट अप कर दें, डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू ये है अपने पास, ये हो जाएगा थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, ये हो जाएगा माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर। दैट इक्वल यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, थ्री थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा, ए ए के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमको फाइनली जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन माइनस होगा, और साइन स्क्वायर थीटा अपन कास स्क्वायर थीटा, ये तो हम एक कास को इसके साथ में कैंसिल कर देते हैं, इस तरह से कैंसिल को मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये कास थीटा है, एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ से हमारे पास जो बचेगा वो है साइन थीटा अपन कास थीटा, जो हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ये है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। अब हमको कुछ क्वेश्चन पूछा है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, मतलब पाई बाई फोर पर हमको ग्रेडियंट फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आगे देखिए, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, और हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं थीटा इक्वल टू किस पर, पाई बाई फोर पर, इसको यहाँ पर लिख देते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, और ये हमारा वैल्यू है क्या, माइनस टेन थीटा, तो हो जाएगा माइनस टेन पाई पाई बाई फोर, दैट इज माइनस वन, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया है, लेकिन हमको चाहिए किसका, नॉर्मल का ग्रेडियंट चाहिए, तो देयर फोर टेंजेंट ऑफ ग्रेडियंट ना,
देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या होता है, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होता है, दैट इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई इसका वैल्यू माइनस वन है, तो माइनस माइनस वन इक्वल टू प्लस वन, दिस इज द आंसर। क्लियर, इस प्रकार से क्वेश्चन में हमको पूछा है नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या फाइंड हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल के किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंजेंट क्लियर है, तो नॉर्मल आप कर चुके हो, 5 मिनट का काम है आपके लिए। ठीक ठीक है, बस यहीं पर आपको चेंज करना है। तो यह होगा इसका वैल्यू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, कुछ दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन। यहाँ पर तो ग्रेडियंट फाइंड करने पर क्वेश्चन था, अब हम इक्वेशन फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो 2-4 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, ठीक है, इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y देन फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1, 2। नॉर्मल एट 1, 2, बस छोटा सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया हुआ है और हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, किस पर, 0.1 और 2 पर। ओके चलिए, इस तरह का क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे, सिंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर टू 4y है, यहां से हम फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ 4y, देयरफॉर 2x इक्वल, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हो जाएगा 4 डी वाई बाई डी एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, x बाई 2, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2, दिस इज रिलेशन नंबर 1। क्लियर यहाँ तक, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2, ये 2 का कैंसिल हुआ, 2 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। अब हमको क्वेश्चन में दिया है 8.12, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स 8.12, 1 और 2 पर फाइंड करना है, तो यहाँ पर 1 और 2 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y तो है ही नहीं यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू, सीधा 1 अपॉन 2, ये होगा x का वैल्यू, 1 पुट अप करेंगे तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब यदि हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना चाहें तो y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy/dx एट x1 y1 × x − x1, ये क्या है, इसका फार्मूला है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट अप कर दें तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज 2, तो y-2 इक्वल माइनस 1 अपॉन, इसका वैल्यू 1 अपॉन 2, dy/dx का वैल्यू 1 अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल टू x-1, द वैल्यू ऑफ x1 इज 1, ये क्वेश्चन में गिवन है, दैट इंप्लाइज आगे इसको हम सॉल्व कर लें, तो y-2 इक्वल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -2x + 2, देयरफॉर इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो 2x + y, और इसको भी इधर ट्रांसफर कर लें तो -4,
माइनस फोर इक्वल टू जीरो, दिस इज द फाइनल आंसर। देखो कितना आसान है, कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं है, डिफ्रेंशिएट करना है, वैल्यू पुट अप करना है और इस फार्मूला में आपको सॉल्व कर देना है। ओके, टू एक्स प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, क्या आंसर दिया इसका, 2x प्लस वाई इक्वल टू फोर, ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू फोर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जनरली मैं ऐसी एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़्यादा कवर करा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा मानना है कि सभी बोर्ड में उसके क्वेश्चन कवर होते हैं, खासकर जो सीबीएसई स्टूडेंट उनके लिए तो है, और सभी जो स्टेट बोर्ड्स हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, रीजनल बोर्ड्स हैं, सब में जो भी राइटर ने बुक लिखा है एनसीईआरटी को किया ही है, और फाइनली आपको आईआईटी जेई के लिए जो तैयारी करना है तो एनसीईआरटी के बेस पर ही तैयारी करना है। ये हो गया, तो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको पैटर्न समझाया कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। चलिए इसी तरह के एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। बहुत आसान लग रहा होगा ये क्वेश्चन आपको, क्योंकि मैं बता चुका आपको टेंजेंट क्लियर है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ है, कई बार एग्जाम में करके पूछ रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कर्व है y इक्वल एक्स स्क्वायर, पैराबोला की इक्वेशन होता है एक्चुअल में, आप 11th में पढ़े हो, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, और हमको फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0 0, मतलब ओरिजिन पर, एट ओरिजिन भी बोल सकता है आपको, ठीक है, आपको क्वेश्चन में एट 0 0 के बजाय आप बोल सकता है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ओरिजिन। तो किस तरह से बनाएंगे, मेथड तो सेम यही होगा, सिंस वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स, देयर फॉर डी वाई बाई डी एक्स एट 0 0, कुछ नहीं आया हुआ क्वेश्चन है करके बता रहा हूँ मैं, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 0 0 हो गया, देयर फॉर, वैसे मल्टीपल चॉइस का भी क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में आया है क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस 0 इक्वल माइनस 1 अपन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब 0, ये ध्यान रखना, और इंटू एक्स माइनस 0। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना, कई लोग x इक्वल टू 0, कई लोग y इक्वल टू 0, दोनों आंसर निकाल लेते हैं, एक्चुअल में इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन 0 ट्रांसफ़र करने के कॉन्सेप्ट पर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 हो गया, तो मिलेगा x इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया हुआ है, यदि किसी इक्वेशन, किसी कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, तो ओरिजिन पर उसके जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस होता है, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस होता है, क्लियर, ये ध्यान रखना, x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो मल्टीपल चॉइस में घुमा के ही पूछ सकता है कि y अक्ष होता है, x अक्ष होता है, तो x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस एंड y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस। ओके, तो ये इसका आंसर है, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। बस ऐसी क्वेश्चन करना है, एक आध क्वेश्चन और बता दूं आपको, उसके बाद आपको कर लोगे इसका कोई इक्वेशन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलो एक इक्वेशन, सब ऐसे ऐसी क्वेश्चन है आपको बताने का, क्या है इसमें, कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस एक क्लास सफिशियंट इसके लिए। y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब, इक्वेशन देख के परेशान नहीं होना है, डिफ्रेंशिएट होने के बाद सब इक्वल है, 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 माइनस 10x प्लस 5, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 1 3,
एट द पॉइंट 1, 3। देखिए क्या होगा इसके, तो क्वेश्चन में कुछ नयापन है कुछ नहीं, वही काम करना है, सभी क्वेश्चन में वही काम करना है, ठीक है। देखिए सॉल्व, सिंस y इक्वल टू, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5, देयरफॉर dy by dx इक्वल 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10, देयरफॉर dy by dx एट कहाँ 1, 3 पर निकाल लो, वर्किंग स्टेप तो सेम वही है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करना है, y तो होता ही नहीं इसमें, तो हो जाएगा 4 1³ माइनस 18 1² प्लस 26 1 माइनस 10, दैट इक्वल ये हो जाएगा 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, दैट इक्वल, इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 30, इसमें माइनस 28 माइनस कर दो 28 तो कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर आ गया 2 डीवाई बाई डी एक्स। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 का वैल्यू 3 इक्वल माइनस 1/dy/dx इज 2 और x माइनस 1, एक्स माइनस 1, दैट इंप्लाइज 2 इधर मल्टीप्लाई करो 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, दैट इंप्लाइज इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो x प्लस 2y और इसको भी इधर ट्रांसफर कर दें तो माइनस 7 इक्वल टू 0, दिस इज आंसर x प्लस 2y इक्वल टू 7। एनसीईआरटी में सभी आंसर को उधर ट्रांसफर करके दिया है, माइनस 7 को उधर, मतलब ऐसा x प्लस 2y इक्वल टू 7, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो दो टाइप के क्वेश्चन हैं, एक तो उसका ग्रेडियंट फाइंड करना और नॉर्मल, तो सभी क्वेश्चन इसी तरह से हैं। और आप ये पूरा क्वेश्चन, यदि आपका टेंजेंट तैयार है तो नॉर्मल तैयार है, सिर्फ इस मोमेंट पर आपको चेंज करना है, वहाँ dy/dx लिखते थे उसके जगह में माइनस 1/dy/dx और सब टेंजेंट का क्वेश्चन नॉर्मल का क्वेश्चन बन गया, ओके। तो नॉर्मल आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसके बाद मैं मैक्सिमम मिनिमा का एक वीडियो बनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, और बहुत जल्दी हम इंटीग्रेशन में एंट्री करेंगे, इंटीग्रेशन का बहुत इंतजार है आप लोग का, थोड़ा डिले भी हो रहा है मुझे मालूम है, तो बहुत जल्दी आपको इंटीग्रेशन का वीडियो मिलेगा मैक्सिमम मिनिमा के बाद, ओके, थैंक यू।